दूसरे T20 मैच में भारत को हार के मुंह से निकाल कर जीत दिलाने वाले हार्दिक पांड्या की नाबाद 42 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन पांड्या ने कहा कि मुझे लगता है कि टी नटराजन को उनकी किफायती गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन बना है। भारत के सारे गेंदबाज फिटे, लेकिन नटराजन ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। पांड्या ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि टी नटराजन को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। उनकी वजह से हमें कम से कम 10 रन कम का लक्ष्य मिला।